फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। आखिर अंशु आज इतनी खुश है और इसी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि आखिर आज उसके भाई और भाभी की जीत हो गई है। मतलब कब से जो मतलब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला था इस फैसले के बारे में, सचिन मनीषा मतलब इनके भाई और भाभी के बारे में, उन सब चीज़ों में आज अंशु की जीत हुई है। और अंशु कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अब बाहर निकलना भी चाहती है, क्योंकि राज परिवार कितना दुखी था मतलब इन सब चीज़ों को लेकर। अंशु भी मतलब अपने भाई और भाभी के लिए अम्बाला आई हुई थी। अंशु की वजह से ही सचिन थोड़ा बहुत खुश रह पाता है और मनीषा भी खुश रह पाती है, क्योंकि यही लोग हैं जो मतलब अपने भाई और भाभी को बहुत अच्छी तरीके से मतलब खुश देखना चाहते हैं। यहाँ पर देखे, नेहा ने तो सारी हदें पार कर दी हैं और मतलब नेहा के लिए आज जो दिन भी है ना, वो सिर्फ नेहा आशीष तिवारी ही जान सकती है कि नेहा ने क्या गुल खिलाए हैं सचिन के साथ में। और इन सब चीज़ों के पीछे मनीषा को कितना धोया है पूरे सोशल मीडिया पर। आज सब लोग नेहा की बुराई कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि नेहा गलत है, कि मनीषा गलत है, कि सचिन गलत है, कौन गलत है, बट यहाँ पर जो नेहा ने सचिन के साथ किया है ना, वो किसी के साथ कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पर अंशु की सासू माँ और सासू माँ और ननद भी मतलब अंशु का पूरा सपोर्ट करेंगी, क्योंकि ननद ने सोशल मीडिया पर बोला था कि मेरी राज फैमिली से कोई लड़ाई नहीं है और राज फैमिली के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। बट अंशु से तो नहीं बनती है, एक चीज़ तो देखने को मिला है पूरे सोशल मीडिया में कि अंशु से इनकी ननद की बिल्कुल भी नहीं बनती है। और अंशु बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन जो छठ की पूजा होने वाली थी ना, तो उसमें अंशु भी आना अंशु की ननद भी आना चाहती थी, बट अंशु की ननद के यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, इस वजह से अंशु नहीं आ पाई, अंशु की ननद नहीं आ पाई थी। तो फ्रेंड्स, अब अंशु फाइनली बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनके भैया और भाभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इस चीज़ को लेकर कि आखिर नेहा कब तक ये सब गुल खिलाती, नेहा की सच्चाई दुनिया के सामने आती ही तो यहाँ पर नेहा की पूरी तरीके से सच्चाई आ गई है। और नेहा को, नेहा अब देखिए क्या करने वाली है, अभी कुछ पता नहीं है कि नेहा क्या करेगी, लेकिन नेहा चुप रहने वालों में से एक नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो गुल जरूर खिलाएगी। सचिन और मनीषा को लेकर, सचिन और मनीषा ने अंशु की बहुत ज़्यादा हेल्प की हुई है, हर चीज़ों में अंशु को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अंशु भी सचिन और मनीषा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। आज एक बहन अपने भाई की खुशियों के लिए कितना खुश है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश लग रही है। यहाँ पर पूरा हेल्प अंशु की शुभम कर रहा है, क्योंकि अगर शुभम आज इतना कुछ नहीं करता ना, तो अंशु ना तो अपने ससुराल से यहाँ आ पाती अम्बाला, और ना ही सचिन और मनीषा को इतना खुश देख पाती। अंशु के साथ जो भी हुआ है वो अब उन सब चीज़ों को पीछे भूल चुकी है, क्योंकि देखिए भूलेगी तो नहीं, बट जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ था अंशु के साथ में, लेकिन अब नए मोड़ पर आने के बाद वो हर चीज़ों को हैंडल करना सीखेगी। क्योंकि जिस तरीके से मनीषा हर चीज़ों को हैंडल कर रही है, मनीषा के लिए आज, मनीषा के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज उसने सच्चाई को सामने लाया है। और मतलब मनीषा, और जब मनीषा और सचिन दोनों खुश हैं तो यहाँ पर इनकी माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आज एक माँ बहुत ज़्यादा खुश है कि उनकी बहू ने आज इतना सब कुछ अकेले डटकर सामना किया, और जो चीज़ 1.5 साल से मनीषा अपने अंदर रखी हुई थी ना, उस चीज़ को बाहर निकाल फेंकना ही बहुत ज़रूरी था, नहीं तो इस रिश्ते में और कितने लोगों को ये घसीटती। नेहा आशीष तिवारी मतलब इतने सारे रिश्ते खराब कर दिए हैं। अब देखिए सुमित महाल के साथ क्या करने वाली है, क्या ये सुमित महाल के साथ शादी करेंगी? आपको क्या लगता है कि ये सुमित महाल के साथ शादी करेंगी? मुझे तो नहीं लगता है कि अब ये शादी होने वाली है, क्योंकि अगर सुमित थोड़ा भी इज्जतदार इंसान होंगे ना, तो वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मतलब जिस फेम की वजह से सुमित महाल सोशल मीडिया पर आए हुए थे, पहले तो इनका कोई सोशल मीडिया पर चैनल नहीं था, अब इनका जो चैनल बना हुआ है ना, तो वो सिर्फ नेहा की वजह से ही बना हुआ था। नेहा की मतलब, नेहा को सभी लोग जानते हैं और काफ़ी टाइम हो गया
15 से 20 साल हो गया था इनको सोशल मीडिया पर वर्क करते करते, और आज इन्होंने जो मतलब कामयाबी पाई हुई थी वो कामयाबी एक पल में ही सारी खत्म हो गई है। और नेहा को सारे लोग किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से नेहा को टारगेट कर रहे हैं, एक नेहा के अलावा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि नेहा के वजह से ही कितने लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। और अगर मनीषा भी साथ ना देती ना, तो न जाने कितने लोगों का घर टूटने से बच ही नहीं पाता। लेकिन जो मनीषा ने आज किया बहुत सही किया है, और आगे भी ऐसे करती ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या बोलेंगे अंशु को कि अंशु आज जितना खुश है ना, उतना कोई भी खुश नहीं हो सकता। और मतलब अंशु के साथ साथ यहाँ पर शुभम भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसको अंशु की खुशी में ही सारी खुशियाँ दिख रही हैं। अंशु और आंटी जी सब लोग साथ में ही आए हुए थे। अंशु और आंटी जी अम्बाला जब आए थे ना, तब बहुत उदास होकर आए थे, बट अब जो अंशु और आंटी जी जाएंगी ना यहाँ से, तो बहुत खुश होकर जाने वाली हैं। ये तो सभी को पता चल ही गया है, और सोशल मीडिया पर जो होना था वो हो गया है, अब कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ पर नीतू दीदी ने भी पूरी सच्चाई को ला ही दिया है नेहा की। अब बचा ही क्या है, नेहा क्या प्रूफ लाएगी, और नेहा की प्रूफ लाने का सबको इंतजार रहेगा, क्योंकि नेहा की वजह से ही कितने घरों को बर्बाद किया है इन्होंने। और अभी पहले देखिए आशीष जी का नाम लेकर क्या क्या रोना धोना सोशल मीडिया पर, अपने सब कुछ बताना यही लगा रहता था इनकी लाइफ में, बट अब लगता है कि आशीष जी को लेकर और जो आशीष जी के घर वालों को लेकर अभी सोशल मीडिया पर कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अगर ये अब सोशल मीडिया पर कुछ बोली ना, तो सच में इनका क्या हाल होगा ये तो वो खुद ही समझ सकती हैं। पूरी तिवारी फैमिली ही मतलब एक खतरनाक रोल प्ले की हुई थी। मतलब यहाँ सचिन से महंगे गिफ्ट को लेना, सचिन के लिए रोना धोना दिखाना, और मतलब ये सब चीज़ें करना ठीक नहीं था, बट जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अब अंशु भी अब जाएगी घर बहुत जल्दी, क्योंकि अंशु को बाहर निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया, पूरा 1 हफ्ता हो गया है, पिछले शनिवार से लेकर इस शनिवार तक पूरा 1 हफ्ता हो चुका है अंशु को निकले हुए। अब घर पर भी उसकी ज़रूरत है, अगर वो टाइम से नहीं पहुंचती तो वहाँ देखिए पूरा फैमिली परेशान होती है, क्योंकि परेशान होने का मेन कारण यही है कि मतलब सोशल मीडिया में जो जो हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह जो है वो जगत दीदी ही है। जगत दीदी की वजह से ही आज ये सब कुछ हो रहा है, नहीं तो ये सब चीज़ नहीं होता। अगर मनीषा, अगर अंशु की भाभी मनीषा ये सब कुछ सच सामने नहीं लाती ना, तो फिर और किसी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाती, क्योंकि एक बार जब कोई ये काम कर सकता है ना, तो बार बार भी वो काम करने के लिए मजबूर हो सकता है। और नेहा आशीष तिवारी को तो सिर्फ पैसों को ही पड़ी रहती, इतना पैसा कमाने के बाद भी सोशल मीडिया से उनका मन ही नहीं भरता है कि पैसा 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 लगा कर रख दिया हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर। पूरे सोशल मीडिया में जो आज हो रहा है ना, नेहा आशीष तिवारी के साथ वो किसी के साथ ना हुआ होगा जो इन्होंने किया है सचिन के साथ मिलकर। और सचिन भी एकदम से कैरेक्टर लेस है, जो मनीषा को धोखा दिए, जो मतलब मनीषा के साथ ऐसा कर सकते हैं ना, तो आप देखिए अंशु सचिन और मनीषा की फिर से शादी होने वाली है। एक मौका फिर से मनीषा सचिन को देने वाली है, क्या मनीषा मतलब माफ कर पाएगी। और अंशु अंशु को काफ़ी लोग काम चोर बोलते हैं कि अंशु काम नहीं कर पाती है, अंशु समझदार नहीं है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अंशु के लिए जो जो दिक्कतें आई हैं ना सोशल मीडिया पर, वो सब चीज़ें अंशु के पिछले जो वो थे ना, पिछली उनकी मम्मी पापा के जाने के बाद जो जो इन्होंने झेला है ना, वो अंशु ही समझ सकती है। इसका दुख दर्द कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि अंशु के लिए पल बहुत ही ज़्यादा नाजुक था, और इस पल को अंशु ने डटकर सामना किया है, और किसी ने इसका सपोर्ट भी नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आज एक बहन अपने भाई के लिए मतलब कितना परेशान हो रही थी, हर चीज़ से उसको लग रहा था कि हाँ मेरा भाई ही गलत है, क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर गलती तो सचिन की भी है कि सचिन ने सब चीज़ें की, और सचिन के साथ साथ सबसे बड़ी गलती नेहा की है, नेहा की वजह से ही आज कितने घर बर्बाद हो गए हैं।
और यहाँ पर जो नई जिंदगियां बर्बाद होने जा रही थी सुमित महाल की, वो भी मतलब आज बच जाएगी बर्बाद होने से। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो फिर सुमित महाल को भी वो अपनी जिम्मेदार खुद ही होंगी। क्या सुमित की फैमिली इतनी समझदार नहीं है क्या? सुमित की फैमिली बहुत इज्जतदार है, आपने देखा होगा कि उनकी फैमिली में कितना प्रेम है। और मतलब सोशल मीडिया पर वो लोग जब अपने लाइव में आते हैं तो सभी लोग साथ में आते हैं, और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो लोग साथ में ना आते, हमेशा एक दूसरे की केयर करते। क्या नेहा मतलब उस घर को इस लायक बना पाएगी? लगता नहीं है कि नेहा उस घर को इस लायक बना पाएगी कि मतलब उस घर को जोड़ कर रख पाए हैं। तो यही चीज होती है कि जब मतलब हर चीज मतलब यहाँ पर सचिन और मनीषा को एक करने में और मनीषा को खुश देखने में अंशु का बहुत बड़ा योगदान है। अंशु जितनी छोटी एज की है ना उतनी ही बहुत ज़्यादा समझदार है, और अंशु के लिए पल बहुत ही भावुक था जब मतलब उसके भाई और भाभी के साथ ऐसा हुआ हो, और सचिन मनीषा की लाइफ में बिल्कुल पूरी तरीके से तूफान आ गया हो। तूफान इस तरीके का आया था कि उसने पूरा झकझोर दिया हुआ था। तो एक बहन ही थी जो बहुत ज्यादा सपोर्ट किए यहाँ पर, सचिन की रियल बहन जो है मतलब उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ था सच मनीषा का, क्योंकि मनीषा ये सब चीज़ों में गलत नहीं थी। तो कोई और भी होता ना तो मनीषा का सपोर्ट करता और मनीषा के लिए डटकर खड़ा होता, वही चीज़ आज अंशु ने की। अंशु को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इतनी पावर कैसे हो सकती है एक लड़की में, जो मनीषा ने आज दिखाया मतलब बिहार की सेवनी भी बोल सकते हैं इनको, इतना मतलब कुछ किया है मनीषा ने आज। कल की लाइव देखने के बाद पता चल रहा है कि हाँ मनीषा बहुत कुछ सही होगी, जो आज उसके अंदर से कितना कुछ बातें थी जो मनीषा ने थोड़ा गलत भी बोली थी, उन चीज़ों को प्रिंस ने बोला है कि समय आने पर भाभी से बात की जाएगी, बट अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इससे रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और रिश्ते की डोर भी बहुत छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो अभी कंडीशन चल रही है ना वो अभी ठीक नहीं है। और लग रहा है इन सब चीज़ों को देख कर कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अंशु अगर अम्बाला आई है तो पहले तो वो कितनी दुखी होकर घर जा रही थी सच में। हाँ अंशु की इस कंडीशन को देख कर लग रहा था कि अंशु कितनी दुखी होकर जा रही है, क्योंकि आंटी जी ने बोल दिया था कि आज के बाद से सचिन मेरा बेटा नहीं है और सचिन के लिए मेरे दिल में कोई जरूर जगह नहीं है, और सचिन के लिए हम कभी नहीं आगे होंगे तब कि हम अपनी बहू के लिए आगे होंगे। तो वही चीज़ें होती है ना जो आंटी जी ने बोली थी ना, तो वही मनीषा ने करके दिखाया कि सचिन के लिए, सचिन को अगर इस तरीके से मनीषा नहीं बदलेगी ना तो फिर से नेहा अपने उसमें फंसा लेगी, क्योंकि नेहा का कहना था कि तुम अपने हस्बैंड के लिए कुछ क्यों नहीं बोलती हो। मनीषा से साफ शब्दों में बोला है नेहा ने कि तुम अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रही हो, अपने हस्बैंड को बीच में क्यों नहीं ला रही हो। तो मनीषा का बोलना यही था कि अगर तुम यही चाहती हो कि फिर से मैं, मनीषा यही कह रही थी कि फिर से मैं सचिन से नफरत करने लगूँ और सचिन से दूर चली जाऊँ, यही चीज़ें बार बार आ रही है। यहाँ पर अंशु की फैमिली बहुत ही अच्छी है जो मतलब अंशु को बार बार भेज देती है यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि देखिए अभी तो आना ज़रूरी था और इससे बहुत कुछ होता जिससे कि मतलब बहुत सारे घर टूट रहे थे, लेकिन अभी जो अंशु ने किया बहुत अच्छा किया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे इन सब चीज़ों में? लगता है ना कहीं आंटी जी की परवरिश में ही कमी है। आंटी जी हमेशा से अपनी परवरिश में कमी बता रही हैं, क्योंकि आंटी जी बोल रही हैं कि मेरे दोनों बेटों ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी हुई है, जबकि अंकल जी की तरफ से उनको कोई भी दुख नहीं हुआ है, कभी भी अंकल जी ने कुछ नहीं बोला, अंकल जी की वजह से उनको कभी एक आंसू तक नहीं आया है, और आज मेरे बेटों की वजह से उनको कितनी दुख दर्द तकलीफ हो रही है। सच में ये चीज़ देख कर तो लगता है कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं आंटी जी की परवरिश में ही कमी है, जो इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे थे और बेटे उसी तरीके के बन गए। अगर सचिन को पहले से मनीषा बांध कर रखती ना तो ये सब कंडीशन आती ही नहीं। और मतलब अब अंशु का बोलना है कि जिस तरीके से सचिन और मनीषा का रिश्ता खराब हुआ है ना, उस तरीके से अब आगे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो जाने क्या होने हो जाएगा और कितनी लड़कियों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। यही चीज़ होती है कि
सचिन को बांध कर नहीं रखा गया था और सचिन को हर प्रकार की फ्रीडम दी जाती थी, क्योंकि जब भी नेहा रोती थी ना तो सबसे पहले कोई साथ नहीं देता था उसका। उसका साथ देने के लिए वो सचिन को भोपाल बुलाती थी सिवान से, या वो अम्बाला में होते थे तो जल्दी जल्दी नेहा के लिए चल देते थे, क्योंकि देखिए उनको नेहा की बहुत, हमेशा सचिन से यही कहती थी कि उसके पास कोई नहीं है और मतलब तुम उसकी हेल्प करो। और आशीष जी के जाने के बाद जो नेहा की कंडीशन हो गई थी, तो सच में वो सोशल मीडिया पर रोती थी और सोशल मीडिया पर रोने का यही कारण था उसका कि मतलब वो छोटी सी छोटी बात शेयर करने लगी सचिन से। और सचिन के साथ जब इतना टाइम स्पेंड किया ना उसने, तो उससे काफ़ी लोगों के बीच में मतलब अट्रैक्शन भी आ गया। और मतलब किस तरीके से मनीषा को ये धोखा देने लगी, और मनीषा को कई बार इन्होंने बोला भी था कि तुम मेरे मेरे सचिन से बात करवाओ, तो सच में मनीषा भी डर की वजह से कितना कुछ सही है। आज अगर मनीषा कुछ बोल पा रही है ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है, क्योंकि एक डरी हुई लड़की कुछ नहीं बोल पा रही थी। वो कितना टाइम हो गया था इन सब चीज़ों को सहन करते करते, और पूरा 1.5 साल हो गया था जो मनीषा ने इन सब चीज़ों को सहन किया है। तो फ्रेंड्स यही होता है कि मतलब जब जो मतलब होता है कि इस तरीके से तिवारी फैमिली को भी ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए था। अगर तिवारी फैमिली नेहा की इन करतूतों में शामिल थी ना, तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और किसी की लाइफ बर्बाद की है। कल के दिन जब नेहा की बेटी बड़ी होगी और उनकी बेटी और दामाद के बीच में ऐसा होगा ना, तो सच में इनको समझ में आएगा कि कर्म के फल तो आते ही आते हैं, और जब कर्म लौटते हैं ना तो उसका दंड बहुत बड़ा होता है। अभी पता नहीं चलता है कि हम क्या करने वाले हैं, बट जब हमारा कर्म के फल मिलते हैं ना, तब समझ में आएगा कि हाँ इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी इन सब चीज़ों को करने में। और आज भी नेहा फिर से सचिन को पाना चाहती है, और सचिन के लिए वो देखना भी क्या क्या नहीं करने वाली है। अभी वो शांत रहने वालों में से एक नहीं है, वही अंशु बोल रही है कि जिस औरत ने मेरे भाई और भाभी का सब कुछ छीन लिया, उस औरत को मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी। पूरा राज फैमिली आज नेहा के लिए बददुआएं निकाल रहा है, क्योंकि नेहा ने ऐसा काम ही किया है। अगर नेहा पहले से अगर मनीषा सतर्क हो जाती ना, तो ये सब चीज़ें नहीं होती। लेकिन कल की लाइव में आने के बाद देखा कि मनीषा बहुत कुछ सहन करने के बाद जो आज मनीषा बोल रही थी ना, सारा सब कुछ उसके अंदर इतने दिन से घुसा हुआ था, वो सब चीज़ें मनीषा ने निकाली हुई अपने मन से। अब मनीषा को कोई डर नहीं है कि उसके सचिन को कोई नहीं छीन सकता, लेकिन मनीषा को एक बार सतर्क रहना चाहिए कि एक बार कोई नेहा के उसमें फिसल सकता है तो अब भी वो फिसल सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आंटी जी अब बिल्कुल सतर्क रहेंगी और अपने बेटे को बिल्कुल अपने पास ही रखेंगी जब तक हो सकेगा। अम्बाला और मनीषा और सचिन की जो शादी होने वाली है, तो उसी डेट में शादी होगी जब नेहा और सुमित महाल की शादी होगी, और नेहा के साथ उसी डेट में होगी। देखना कितना मजा आएगा जब दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं, और मनीषा को मतलब इतना इन्होंने गिराया हुआ है, रात बारी फैमिली ने धमकाया डराया हुआ है सब कुछ। मतलब नेहा की पूरी बेस्ट फ्रेंड ने बताया, नेहा की जितनी भी बेस्ट फ्रेंड थी, क्योंकि नेहा ने तो सभी का साथ छोड़ दिया हुआ था। नेहा किसी की सगी नहीं हो पाई है और आज तक वो किसी की सगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि नेहा ने मेरे साथ चीट किया है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलबी और घमंडी है नेहा जैसी लड़की। और ना ठीक नहीं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।